नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप गुलेरिया, आपके अपने प्रॉपर्टी चैनल प्रणव रियल स्टेट प्रणव रियल्टर से। तो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर आपके लिए एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत घर लेके। तो आज का जो घर है वो लोकेशन की पहले बात कर ली जाए, सेक्टर 123 पड़ता है ये, 200 फीट रोड एडजॉइनिंग रहने वाला है। हार्डली आप ये कहोगे कि 300 से 400 मीटर के डिस्टेंस पे आपका ये घर जो है कनेक्टेड रहेगा 200 फुट एयरपोर्ट रोड से। और बात कर ली जाए मेन कनेक्टिविटी की भी, चंडीगढ़ मोहाली और न्यू चंडीगढ़ की, तो हार्डली आप ये कह सकते हो कि 5 से 10 मिनट की ड्राइव में आप चंडीगढ़ मोहाली और न्यू चंडीगढ़ कनेक्ट कर जाते हैं। तो सबसे पहले अब मैं अपने दोस्त को रिक्वेस्ट करूंगा, एलिवेशन दिखाएंगे आपको इसका। तो आप ये एलिवेशन देखिए, इसका बहुत ही प्यारा एलिवेशन जो है आपको यहाँ पे इसका नज़र आने वाला है। चाहे आप टॉप की बात कर लीजिए, चाहे आप लाइट वर्क की बात कर लीजिए, या आप ये ग्रिल्स देखिए किस तरह से डिज़ाइनर ग्रिल्स आपको यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे देखने को मिलता है। यहाँ पे बालकनी आप ये देख सकते हैं, टफन ग्लास का यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे अगर हम बात कर लें तो आप इस तरफ भी देख सकते हैं, तो बहुत ही प्यारा जो है लाइट वर्क जो है ओवरऑल पूरे घर में ही आपको यहाँ पे नज़र आता है। सामने आप ये देखिए टाइल वर्क जो है आपको यहाँ पे नज़र आएगा, और कंप्लीट आपको ये अगर हम कोने की बात करें तो यहाँ पे पूरा टाइल वर्क जो है टॉप तक चला जाता है ऊपर। तो ओवरऑल एक बहुत ही प्यारे एलिवेशन में आपको ये ईस्ट फेसिंग घर भी ये रहने वाला है। तो बहुत ही प्यारा एलिवेशन, ईस्ट फेसिंग, 200 फुट एयरपोर्ट रोड के जस्ट एडजॉइनिंग ये घर आपको यहाँ पे मिलता है। सामने की रोड की बात करें 30 से 35 फीट की रहेगी। अगर हम फ्रंट वॉल की बात करें तो आपको ये 23 फीट का आपको इसका फ्रंट मिलेगा, और फ्रंट आप ये देख सकते हैं पूरा कंप्लीट आपको ऑलमोस्ट ये ग्रिल कवर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। गेट की भी बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से आपका जो है स्लाइडर गेट रहेगा ये, तो ये आपका स्लाइडर गेट आपको मिलता है। यहाँ पे स्मार्ट होम भी होने वाला है ये आपका, तो यहाँ पे आपको एक वीडियो बिल भी मिलती है, तो ये भी आपके ऊपर ऑप्शन रहेगा कि आप कंप्लीट स्मार्ट होम में जाना चाहेंगे या फिर एक नॉर्मल होम में जाना चाहेंगे, तो उसका जो कॉस्टिंग है वो अलग रहेगा अगर आप स्मार्ट होम कंसेप्ट में जाना चाहेंगे। तो ओवरऑल बहुत ही प्यारा है इसका एलिवेशन। तो आइए अब बात करते हैं अपने पार्किंग एरिया की भी। तो पार्किंग स्पेस भी आप ये देख सकते हैं, डिसेंट पार्किंग स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। नीचे यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको स्पेस दिया गया है, यहाँ पे अपना इन्वर्टर वगैरह आप रख सकते हैं। तो दोस्तों, घर में एंटर करने से पहले बात करेंगे मेन डोर की भी। तो आप ये देख सकते हैं 8 फीट हाइट का एक टीक वुड में आपको ये डोर दिया जा रहा है, डिजाइनर डोर मिलेगा, स्मार्ट लॉक भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो आइए अब ये चलते हैं आपको ड्राइंग डाइनिंग एरिया में। तो दोस्तों, बात करेंगे अपने हम ड्राइंग डाइनिंग एरिया की। तो स्पेस आप ये देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस आपको ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया भी मिलता है आपको। इधर अगर बात की जाए तो एक आपको LED पैनल दिया गया है, ऑलमोस्ट फुल साइज में आपको LED पैनल मिलता है यहाँ पे। और इस तरफ आप ये देख सकते हैं एक डिज़ाइनर वॉल जो है वो आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। और अगर बात करें हम ऊपर फॉल सीलिंग की भी, तो एक बहुत ही शानदार फॉल सीलिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ओवरऑल फॉल सीलिंग का लुक आप देखिए, बहुत ही प्यारा लुक इसका नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे। अब बात करेंगे यहाँ पे भी अपने सोफ़ा सेट की और डाइनिंग टेबल की। जैसे कि आप देख रहे हैं तो इस तरह से आप ये प्लेसमेंट जो है इनका कर सकते हो। तो इस तरह भी आप देख सकते हैं एक बड़ा सा आपको फ्रेम मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे भी आपको एक टफन ग्लास, जैसे कि शुरुआत में हमने दिखाया आपको टफन ग्लास यहाँ पे मिलता है। साथ में आपको विंडो भी यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए मिल जाती है, मैच विंडो भी। तो वेंटिलेशन और सनलाइट जो है प्रॉपर आपके ड्राइंग डाइनिंग एरिया में भी मिलता है आपको। तो ओवरऑल काफ़ी स्पेशियस आपका ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया आपको मिल जाता है। तो भाई अब आपको दिखाते हैं अपना किचन भी। तो मॉडुलर किचन आपको आप ये देख सकते हैं इस तरह से आपको मिलने वाला है। तो ओवरऑल साइज़ आप देखिए, काफ़ी स्पेशियस आपको ये किचन मिलता है यहाँ पे। अब इधर अगर हम बात करें तो कैबिनेट जो हैं आपको इस तरह से मिल जाते हैं। नीचे ड्रॉज आप ये देख सकते हैं, कलर कम्बिनेशन बहुत ही प्यारा मिलता है आपको यहाँ पे। मार्बल, ग्रेनाइट मार्बल देख सकते हैं आप यहाँ पे सेल्फ पे। और चिमनी के लिए भी यहाँ पे स्पेस आपको मिल जाता है, डक का प्रोविजन किया गया है यहाँ पे, तो इजीली आप चिमनी भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अब बात करेंगे इस जगह की भी, तो यहाँ पे आपको जो है ड्यूल सिंक मिल जाती है। फिटिंग जो है पूरे घर में ही आपको जगुआर की फिटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इधर अगर हम बात करें तो जो है एक फ्रेम आपको दिया जा रहा है, तो वेंटिलेशन और सनलाइट जो है किचन में भी प्रॉपर आपको मिलती रहे, और बाहर विजिबिलिटी भी रहेगी, गेट पे पता रहेगा कि कौन गेट पे है या नहीं है। अब बात करते हैं रूम्स की भी।
तो किचन के साथ ही आपको इस तरह से दो एंट्रीज जो है बेडरूम्स के लिए मिल जाती हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों आप ये बेडरूम का भी साइज देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस आपका ये बेडरूम भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे साइज़ की अगर बात करें तो 12x12 के साइज़ में आपको ये बेडरूम मिलता है। ऊपर अगर हम छत की बात करें, फॉल सीलिंग आप ये देख सकते हैं, डिज़ाइनर फॉल सीलिंग जो आपको मिलती है यहाँ पे। LED लाइट्स का प्लेसमेंट देख सकते हो, प्रोफाइल लाइट्स का प्लेसमेंट देख सकते हो, बहुत ही प्यारा यहाँ पे आपको नज़र आने वाला है। इधर आप ये देख सकते हैं आपको LED पैनल जो है वो मिल जाता है यहाँ पे। और इस तरफ हम बात करें अपना, तो वॉशरूम जो है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस जो है वॉशरूम मिलता है आपको। 6x6 के साइज़ में आपका वॉशरूम जो है वो मिलने वाला है। फुल सीलिंग हाइट टाइल्स रहेंगी आपकी, नीचे एंटिस के टाइल्स मिलेंगी आपको। और ओवरऑल जो वॉशरूम फिटिंग है वो भी पूरी आपको जेगोर की फिटिंग जो है वो मिलती है आपको। इस तरफ आप ये देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक अलमीरा जो है वो मिल जाता है स्लाइडिंग डोर के साथ, और ड्रेसिंग टेबल का भी प्रोविज़न यहाँ पे आपको मिलता है। अब बात करेंगे अपने वॉशिंग एरिया की भी, तो आइए लिए चलते हैं आपको वॉशिंग एरिया की तरफ भी। तो आप ये साइज़ देख सकते हैं वॉशिंग एरिया का भी, तो काफ़ी स्पेशियस जो है वॉशिंग एरिया आपको मिलता है यहाँ पर। टैप्स फिटिंग मिलेंगी यहाँ पर आपको, वॉशिंग मशीन वगैरह आप ईजिली यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा साइज़ आपको वॉशिंग एरिया का यहाँ पे मिल जाता है। तो आइए अब चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। दोस्तों अब हम अपने सेकंड बेडरूम में, तो सेकंड बेडरूम का भी आप ये साइज़ देख सकते हैं, तो काफ़ी डिसेंट साइज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। और आप ये देख सकते हैं इस तरह से आपको वॉल जो है यहाँ पर वर्क आपको देखने को मिलेगा, बट एक्चुअल में आपको जो है वो प्लेन वॉल या फिर वॉल पेपर जो है वो आपको दिया जाएगा। इस तरह से अगर आप करवाना चाहेंगे करवा सकते हैं, बट उसका जो कॉस्ट होगा वो एडिशनल रहेगा आपका। और इधर भी आप ये देख सकते हैं LED पैनल जो है वो आपको इस तरह से यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करें वॉशरूम की, वॉशरूम का भी आप ये साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस आपको वॉशरूम मिलने वाला है। फुल सीलिंग हाइट टाइल्स रहेंगी आपकी, नीचे एंटिस के टाइल्स मिल जाती है आपको। और ओवरऑल जो है वॉशरूम का स्पेस भी काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है, और जो वॉशरूम फिटिंग है सारी आपको जगुआर की ही मिलने वाली है। तो दोस्तों ये था हमारा 2BHK ग्राउंड फ्लोर पर। अब बात करेंगे अपने फर्स्ट फ्लोर की भी, तो आइए आपको लिए चलते हैं आप फर्स्ट फ्लोर पे भी। तो दोस्तों बात करेंगे अपने स्टेयरकेस की भी, तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से आपको जो है काफ़ी स्पेशियस चेयर्स मिल जाती हैं यहाँ पे। स्टेनलेस स्टील रोलिंग आपको यहाँ पे मिलती है, और आप ये लाइट वर्क भी देख सकते हैं, रात को ये लाइट वर्क जो है बहुत ही प्यारा आपको यहाँ पे दिखने वाला है। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो दोस्तों अब अपने फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में, तो बालकनी का भी आप ये स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस आपकी ये बालकनी होने वाली है। और आप जो डिज़ाइनर हम बात कर रहे थे यहाँ पे ग्रिल्स की, तो आप ये देख सकते हैं एक आयरन फ्रेम जो है यहाँ पे आपको मिलता है, बहुत ही प्यारा इसका एलिवेशन जो है फ्रंट से आपको नज़र आता है। दोस्तों आप ये जैसे कि बात कर रहे थे हम यहाँ पे ऊपर फॉल सीलिंग की, तो आप ये देखिए वुडन आपको पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो यहाँ पे मिलेगा। लाइट वर्क आप ये देख सकते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में भी नीचे से आपको दिखाया, बहुत ही प्यारी लाइट्स जो है रात में आपको यहाँ पर इसकी नज़र आने वाली हैं। अब बात करते हैं अपने बेडरूम्स की और किचन की भी, तो आइए चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। दोस्तों जैसे हम डोर से एंटर करते हैं तो ये स्पेस हमें मिलता है यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो डिसेंट स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। इस तरह से आपका 2-सीटर सोफ़ा आप ये सेंटर टेबल लगा सकते हैं यहाँ पे, और इसी के एकदम जस्ट सामने ही आपको एक छोटा सा सेटअप दिया गया है किचन का भी। तो अगर आप इस पोर्शन को रेंट आउट करना चाहते हैं तो रेंट आउट कर सकते हैं, तो काफ़ी स्पेस आपको मिल जाता है यहाँ पर रेंट आउट करने के लिए भी। कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आउटर स्टेयर्स हैं, सीधा कंप्लीट पोर्शन आप बाहर वाला रेंट आउट कर सकते हैं। बात करें फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग भी आप ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी फॉल सीलिंग इसकी जो है आपको यहाँ पे नज़र आने वाली है। और सामने जो है आपको डिज़ाइनर वॉल जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आइए दोस्तों आप चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ भी। तो बेडरूम का भी आप ये साइज़ देख सकते हैं, तो काफ़ी स्पेशियस जो है आपको ये बेडरूम भी मिल जाता है यहाँ पर। ओवरऑल लुक आप देखिए, बहुत ही प्यारा आपको बेडरूम जो है नज़र आता है यहाँ पे। बात करें ऊपर फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग भी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे डिज़ाइन में आपको फॉल सीलिंग मिलती है। प्रोफाइल लाइट्स देख सकते हैं, LED लाइट्स देख सकते हैं, तो काफ़ी सुंदर आपको फॉल सीलिंग यहाँ पर दी गई है। और इस तरफ हम बात करें तो अलमीरा आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो अपना जो सामान वगैरह ईजिली आप यहाँ पर रख सकते हैं। एक बड़ा सा फ्रेम आपको मिलता है यहाँ पर, तो सनलाइट जो है प्रॉपर आपके रूम में भी यहाँ पर रहेगी। इधर हम बात करें तो एक आपको LED पैनल जो है वो मिल जाता है, तो इस तरह से आपका LED पैनल का यहाँ पे आपको दिया गया है। अब बात करेंगे वॉशरूम की भी, तो वॉशरूम का भी आप ये स्पेस देख सकते हैं, तो काफ़ी स्पेशियस आपका वॉशरूम भी रहेगा। टाइल हाइट्स कंप्लीट आपको
फुल सीलिंग हाई टाइल्स रहेंगी, नीचे एंटीस के टाइल्स रहेंगी और कंप्लीट वॉशरूम फिटिंग जो है वो पूरे घर में ही आपको जैगुआर की मिलने वाली है और ऐसी फिटिंग्स भी जो है पूरे घर में आपको ही मिलेंगी। तो आइए दोस्तों अब आप चलते हैं अपने ओपन एरिया की तरफ। दोस्तों इस तरह से आपका जो है ओपन एरिया आपको मिलता है यहाँ पे, तो ये आप देखिए इस तरह से भी आप अपने इस स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। तो लुक वाइज भी कितना प्यारा लग रहा है ये, और शाम का टाइम अपनी फैमिली के साथ बैठ के यहाँ पे क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। तो काफ़ी स्पेशियस आपका ये पीछे ओपन एरिया भी रहेगा। अगर आप इसको नेक्स्ट इन फ्यूचर इसको बिल्ड करना चाहे तो डेढ़ मंजिल बना हुआ है, डेढ़ मंजिल ही ऊपर और बना सकते हैं, उससे पहले आपको नक्शा जो है वो MC से अप्रूव करवाना पड़ेगा। स्टेज जो है आपको छत के लिए मिलती है यहाँ पे, ऊपर जो है आपका 1000 लीटर का जो है वो टैंक भी वाटर टैंक दिया जा रहा है। तो ओवरऑल 3 BHK हमारा ये रहेगा, तो काफ़ी सुंदर एलिवेशन इसका। साइज़ जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया 102 गज का साइज़, 23x40 का डायमेंशन और काफ़ी अच्छे साइज़ में आपके रूम्स और आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया। तो ओवरऑल कुल मिला के एक काफ़ी सुंदर घर बहुत ही प्यारे एलिवेशन के साथ। तो दोस्तों जो हमारे व्यूअर्स इस तरह का घर अगर देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट हाउस देख रहे हैं, तो उनके लिए परफेक्ट होम होने वाला है। अगर वो लोकेशन भी देख रहे हैं तो लोकेशन जैसे मैंने आपको बताया 200 फुट रोड के जस्ट एडजॉइनिंग ही आपको ये घर मिलता है। तो आपकी कनेक्टिविटी जो है चंडीगढ़ से, मोहाली से, न्यू चंडीगढ़ से हार्डली आप ये 5 से 10 मिनट में वहाँ पे कनेक्ट कर जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लोकेशन भी ये रहेगा, सेक्टर 123 बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के साथ। अब दोस्तों बात करते हैं डिमांड की। तो जो बिल्डर की तरफ से आस्किंग प्राइस है वो है 76 लाख। तो 76 लाख में आपको ये खूबसूरत विला ईस्ट फेसिंग एयरपोर्ट रोड के साथ सबसे नज़दीक चंडीगढ़ के रहने वाला है ये। तो अगर आपको ये विला पसंद है, अगर आप इसकी विजिट शेड्यूल करना चाहते हैं, तो नंबर्स हमारे जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और विजिट का शेड्यूल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि आपको ये विला ज़रूर पसंद आएगा, समझ में आएगा, फिर नेक्स्ट हम बैठ के आगे रेट की भी बात कर सकते हैं। 1-to-1 डिस्कशन पे बेस्ट से बेस्ट हम रेट भी नेगोशिएट करवाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नई प्रॉपर्टी पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।